हेलो स्टूडेंट्स आई एम बैक विद अनादर वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू टॉक अबाउट एंड एक्सप्लेन यू अनादर एसे टाइटल इन आयल तो ये प्लेलिस्ट जो है ये सारी एसे टाइटल्स के ऊपर है जैसे मैंने आपको इस पहली वीडियो में बताया हुआ है इस चैनल की इस प्ले uh, लिस्ट की कि एसेज जो आइल्स में होते हैं दे आर ट्वेंटी टाइप्स ट्वेंटी तो ये जो वीडियो है ये उन्हीं की सीरीज में से है और ये टाइटल मैं आपको समझाऊंगी बाय रीडिंग दिस क्वेश्चन टाइप आई विल टेल यू हाउ टू राइट इट हाउ टू प्लान इट एंड वट पॉइंट्स टू मैन टू अंडरस्टैंड एंड लुक इन टू तो लेट स्टार्ट विद दिस रीडिंग सो सबसे पहले हम पहले टॉपिक को रीड करेंगे और जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं So, as you have seen in other videos as well, there are three point, parts that we look into. The first is the background statement of the question. Second is the viewpoint in the question. And last is the question type in which we get our type of the question. Or background se milta hai, title. Agar background nahi hai, title viewpoint. So what is the background viewpoint or question. Kya hai iska. Let's read. Some some people say that some urgent problems in modern society can only be solved with international cooperation. Okay. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता क्या लगा people से अगर यहाँ पे से आ रहा है तो हमें वहां से ये क्लैरिटी मिल रही है कि ये किसी का व्यू पॉइंट है कोई अपना ओपिनियन दे रहा है कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं मॉडर्न सोसाइटी की मतलब आज के प्रेजेंट सोसाइटी की वो हम सिर्फ इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मदद से ही सॉल्व कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते सिर्फ यही तरीका है उसको सॉल्व करने के लिए अब आप ये सोचिए बैकग्राउंड स्टेटमेंट तो है ही नहीं तो हमारे पास क्या आ गया व्यू पॉइंट तो मैंने जैसे इसकी बिगनिंग में कहा था कि अगर हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है तो हमें व्यू पॉइंट में से टाइटल मिल जाएगा तो ये हो गया व्यू पॉइंट उसके बाद लिखा है टू वट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिस एग्री तो ये हमारा क्या बन गया ये है क्वेश्चन टाइप तो यहाँ से हमें पता चला कि हमने कैसे लिखना है ऐसे को 70 थर्टी लिखना है 70 थर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन रीड करने के बाद हमारे पास इसके एग्रीमेंट वाले ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो हम 70 परसेंट मतलब दो बॉडी पैराग्राफ एग्री के बनाएंगे और डिस एग्री का एक पैराग्राफ बनाएंगे अगर हमारे पास ऑपोजिट मतलब पॉइंट है तो हम दो पैराग्राफ बनाएंगे पैराग्राफिसो कॉल्ड द सेवेंटी परसेंट ऑफ डिसमेंट और थर्टी परसेंट हम लिखेंगे एग्रीमेंट में अब यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सोच के कि मैम टू व्हाट एक्सटेंट है मतलब हम वन साइडेड में लिख सकते हैं लिख सकते हो जरूर लिख सकते हो वन साइडेड लेकिन अगर आप एक अकेडमिक स्टूडेंट हो वन साइड लिखोगे इट्स एब्सोल्यूटली एक्सेप्टेबल कोई इश्यूज़ नहीं है आपका जो राइटिंग है आपको अच्छा स्कोर देके जाएगी लेकिन अगर आप जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट हो और आप सिर्फ वन साइड लिख के आ रहे हो एंड मार्क माय वर्ड्स आपको अच्छे स्कोर नहीं मिलेंगे क्योंकि एक एग्जामिनर जनरल ट्रेनिंग के ऐसे में से ज़्यादा व्यूज़ को और फैक्ट्स को पढ़ना चाहता है आपकी जो डिबेट है जो डिस्कशन है जो आर्ग्यूमेंट है वो क्लियर होनी चाहिए और वो क्लियर तभी होगी अगर आप अपनी राइटिंग को 70 थर्टी में डिवाइड करके लिखोगे अपने पॉइंट्स को क्लैरिटी में लिखोगे अगर आप वन साइड लिख के आओगे बीइंग अ जनरल स्टूडेंट तो आप अपने अच्छे स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो लेकिन अकेडमिक कैंडिडेट्स जो है वो वन साइड लिख सकते हैं प्रोवाइडेड आपकी जो आर्ग्यूमेंट है जो आपका एग्रीमेंट है वो क्लियर है और उसको किसी भी एक ऑपोजिट व्यू या सपोर्ट की जरूरत नहीं है देन इट्स परफेक्टली फाइन एंड हंड्रेड परसेंट एक्सेप्टेबल तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सेवेंटी थर्टी लिखो चाहे आप अकैडमिक हो चाहे आप जनरल स्टूडेंट हो बिकॉज जो हमारा सेवनटी थर्टी एसेज होते हैं सेवनटी थर्टी एसेज हमको ज़्यादा स्कोर देते हैं बिकॉज एग्जामिनर को ज़्यादा सैम्पल मिल जाता है चेक करने के लिए एग्जामिनर के पास ज़्यादा कंटेंट है देखने के लिए आपको जज करने के लिए कि आपके जो पॉइंट्स हैं जो आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कितनी किस हद तक वैलिड हैं आपके पास आइडियाज हैं या नहीं है तो ये हमारी होगी सारी फॉर्मेटिंग ऐसे की अब हमारा मेन पॉइंट तो रह ही गया टाइटल तो हमने पढ़ा ही नहीं तो हम यहाँ से टाइटल कैसे पता करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे पहले कह दिया अर्जेंट प्रॉब्लम्स अगर आप पहली वीडियो देखो कहीं पे भी प्रॉब्लम वाला टाइटल तो है ही नहीं उस ट्वेंटी सिक्स टाइटल्स में से प्रॉब्लम के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे कहीं पे भी प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन टाइप है लेकिन टाइटल नहीं है तो आगे रीड करते हैं सोल्यूशन आ गया लेकिन क्वेश्चन इज नॉट अवर सोल्यूशन बाद में बात आ गई इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हम टाइटल अगर लेके चले तो वो क्या बनता है सोचिए सोचिए यस यस इट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन तो यहाँ हमारा टाइटल जो है वो आ गया ग्लोबलाइजेशन हम अपने ग्लोबल पर्पसेस के ऊपर अपने व्यूज लिखेंगे कि अगर हम इसको ग्लोबली एक ग्लोबलाइज तरीके से एक साथ एकजुट होके इसको सॉल्व करेंगे तो ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है अब देखिए जब तक हमने इसका टाइटल नहीं समझा था जब तक हमें ये पता नहीं चला था कि हमने ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है उतनी देर तक यू माइट हैव बीन ब्लैंक कुछ समझ नहीं आ रहा होगा यार इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या हो सकता है आप एनजी सोच रहे होगे आप डब्ल्यू एच सोच रहे होगे आप यूनिसेफ यूनेस्को सोच रहे होगे लेकिन वो सब है क्या वो तो एक गवर्निंग बॉडीज हैं वो ये ऐसी बॉडीज है जो सिर्फ हेल्प प्रोवाइड करती है लेकिन ये पूरा ऐसे किसके ऊपर लिखना है ये तो हमने देखा ही नहीं तो वो हमें पता चला कि हमने लिखना है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अब हमारा जो ऐसे टॉपिक है वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ सामने आया है ज्यादा क्लियर और जस्टिफाइड है है क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स मॉडर्न सोसाइटी की वो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की मदद से ही सॉल्व की जा सकती है एकजुट होके ही सॉल्व की जा सकती है तो क्या हम एग्री करते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा है अर्जेंट प्रॉब्लम डेफिनेटली अब मॉडर्न सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है मॉडर्न सोसाइटी में साइबर uh, बुलिंग आ रही है मॉडर्न सोसाइटी में हमारे पास मोलस्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास जो है वॉर्स की प्रॉब्लम आ रही है जो आजकल कंट्रीज में वॉर चल रही है हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिगार्डिंग डिजीज़ेस एपिडेमिक्स पेंडेमिक्स और फूड शॉट की प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास पॉवर्टी की प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये सभी मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो है हम अगर इंटरनेशनली कोऑपरेट करके सॉल्व करें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ये ही हमारा क्वेश्चन कह रहा है तो डेफिनेटली हम एग्री करेंगे लेकिन डिसग्री का पॉइंट भी एक आधा बन सकता है कि जो कंट्री है कंट्री को अपनी प्रॉब्लम का ज़्यादा बेहतर से आइडिया होता है तजुर्बा होता है कि उनकी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी कंट्री में कहाँ कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं और वो कंट्री खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएगी इसीलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मदद से हम कुछ हेल्प ले सकते हैं लेकिन एक लार्ज एक्सटेंट पे जो है एक कंट्री अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकती है जो मॉडर्न सोसाइटी से आ रही है एग्री में हमारे पॉइंट्स आएंगे डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम इंटरनेशनली कोऑपरेशन से हेल्प लेके अपनी कंट्री में एम ओपन कर सकते हैं हम कुछ डेवलपिंग आइडियाज़ लेके आ सकते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी पॉवर्टी है तो हम वहाँ से डोनेशंस ले सकते हैं हम पॉवर्टी को ख़त्म करने के तरीके ले सकते हैं वहाँ हमारी कंट्री में अगर अगर हमारी कंट्री में साइबर की प्रॉब्लम आ रही है तो हम साइबर सेल जो इंटरनेशनल कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में यूज हो रहे हैं हम उनसे आइडियाज ले सकते हैं हम उनसे सीख सकते हैं तो ये हमारे एग्रीमेंट के पॉइंट्स होंगे दो पैराग्राफ एग्रीमेंट एक पैराग्राफ डिस्रीमेंट का आ जाएगा आपने दो पैराग्राफ लिख के सम करना है ये चीज ध्यान में रखिए अगर आप सेवेंटी थर्टी लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन के बाद जो आपने तीन बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं जिसमें हम सेवेंटी थर्टी लिख रहे हैं जैसे एक में हमने दो में हमने लिख दिया एग्रीमेंट इसमें हम लिख देंगे डिसएग्रीमेंट जो हमारा कंक्लूजन होता है वो वहां पे हम करते हैं सम समिंग अप या फिर टू सम हम कभी भी इसको कंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सेवेंटी थर्टी हमने ऑलरेडी अपनी डिबेट दे दी है हमने अपने पॉइंट को क्लियर कर दिया है पहले से ही और हमने डिस से ये भी क्लियर कर दिया है कि हम एग्रीमेंट किस हद तक मानते हैं इसीलिए हम इसको समरी करेंगे समराइज करेंगे कंक्लूड कभी नहीं करेंगे इस टॉपिक को अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ट्राई कर रहे हो लिख रहे हो आप चाहते हैं कि हम इसको चेक करें आपको सही डायरेक्ट करें तो आप हमारी बायो में जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सअप करके अपनी राइटिंग भेज सकते हैं वी विल चेक इट एंड गिव यू द सजेशंस ऑन योर करेक्शंस आर फर्स्ट चेकिंग इज एप्सोल्यूटली फ्री आर फर्स्ट डेमो इज एप्सोल्यूटली फ्री इवन यू कैन अप्लाई फॉर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम आस हमारी फ्री टाइमिंग्स होती हैं फ्लेक्सीबल टाइमिंग्स हैं जब भी आप क्लास लेना चाहते हो वी आर अवेलेबल टू प्रोवाइड योर क्लासेज डू नॉट फोर गेट टू कंसल्ट अर्स बिफोर अपलाइंग फॉर एनी क्लासेज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मन भूलिएगा शेयर इट विल फ्रेंड्स सब्सक्राइब टूअ चैनल इफ यू न्यू टू इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग